हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और अभी व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है। आज का व्लॉग जो है टनल नंबर 12 के अंदर से, अंदर जो काफ़ी अंधेरा और काफ़ी डर लग रहा है। हमने जाना है बाइक लेके इसकी टनल के बीच में से अंदर, और यहाँ पे काफ़ी अंधेरा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक गाड़ी गई है, उसकी आवाज़ ने मतलब गाने लगाए और इतने ज़ोर से वो गूंज रहे हैं टनल के अंदर। ये टनल नंबर 12 है। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे पटरी का पूरा जो है वो सामान पड़ा हुआ है, इसमें जो अब बिल्कुल पटरी का काम बचा हुआ है। और अभी हम जाने वाले हैं इस टनल के बीच में। टनल में कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम आज जाने वाले हैं इसके बीच में से। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है और हम जाएंगे उस साइड, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है आज जो अंधेरे टनल में, न्यू टनल बना हुआ है, कुछ भूत छूत मत दिख जाए अंदर। तो जाते हैं अब उस साइड, तो देखते हैं क्या दिखता है हमें रास्ते में, और आपको भी दिखाते हैं थोड़ा। तो चलते हैं आप सीधा आगे, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा काफ़ी ज़्यादा रहेगा तो क्लियर कुछ दिखेगा नहीं। तो ट्राई करते हैं, अगर दिखा कुछ तो, नहीं तो उस साइड दिखाते हैं। तो लेट्स गो गाइज। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी है और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा बहुत ही पानी का जैसे तालाब बना हुआ, लेकिन हम जो ट्राई कर रहे हैं और हमें वार्निंग मिली है कि काफ़ी पानी है इसमें। लाइट ऑन कर लेते हैं बाइक की, देखते हैं क्या होता है। काफ़ी एडवेंचर हो रहा है यहाँ पे टनल के अंदर, पानी जो है काफ़ी ज़्यादा है। ओह काफ़ी ज़्यादा पानी है गाइस, काफ़ी मज़ा आ रहा है और खड्डे काफ़ी ज़्यादा। और अभी हम आ चुके हैं टनल के अंदर, और अब हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ बाइक की जो लाइट है उसी से दिख रहा है जो दिख रहा है। गाइज फाइनली हमें एग्जिट दिखने लगा है, सामने जो लाइट आने लगी है बाहर से। और 5 मिनट का सफ़र रहा इस टनल के अंदर, काफ़ी ठंड लगी, और अभी हम फाइनली जो बाहर पहुंचने वाले हैं। तो फिर से जो है हमें पानी जो काफ़ी दिखाई दिया यहाँ से, फिर से पानी का बहुत ही बड़ा तालाब दिखाई देने लगा। इस साइड देख सकते छोटे छोटे घर हैं इसके अंदर रहने के लिए जो रहना चाहता है। और अब हम बाहर पहुंचने वाले हैं, पानी जो काफ़ी है टनल के अंदर, जो पानी हर एक टनल में होता है। तो अब मिलते हैं आपसे बाहर जाके, तो लेट्स गो। तो गाइज फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ टनल नंबर 12 के एग्जिट पे। आप देख सकते हैं काफ़ी मज़ा आया, और पीछे आपको दिख रहा होगा ढोल बज रहे होंगे ऊपर। और ये इस टाइम पे जो अस्सू का महीना यहाँ पे, और घास लोग काट रहे हैं ढोलों पे, जो मैं आपको इस पर कंप्लीट वीडियो किसी दिन बनाऊँगा और फिर आपको दिखाऊँगा। लेकिन अभी जो है ये टनल नंबर 12 का जो है, यहाँ से टनल नंबर 12 जो स्टार्ट होता है, और इस साइड आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल इस साइड ये टनल नंबर 11 का जो एंड है, एंड पॉइंट है। यहाँ पे छोटे छोटे ब्रिज, ये छोटा सा ब्रिज जो है ये अफगान कंपनी ने बनाया है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो है ब्रिज अफगान कंपनी ने छोटा सा बनाया है, और इस साइड जो काम अभी कम्प्लीट हो गया, अंदर जो लाइटिंग का काम चल रहा है। और इस साइड आप देख सकते हैं लोग ऊपर कैसे घास काट रहे हैं, धूप में जो है वो क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ढोल से काफ़ी लोग, अराउंड 30-40 लोग वो घास काट रहे हैं एक साथ। और ऊपर आप टॉप पे देख सकते होंगे यहाँ पे जो वो ढोल बज रहे हैं, और ढोल की धुन पे जो वो घास काट रहे हैं, क्योंकि उनको मज़ा आता है ढोल की धुन पे। और अभी हम जाएंगे इस साइड इस वाले टनल में, और इसका भी व्लॉग एक नया शूट करेंगे। और ये है टनल नंबर 12, और ये हो गया कंप्लीट, और इसमें जो है सिर्फ पटरी का काम बचा हुआ है। और यहाँ पे कुछ जो है बिल्डिंग्स बन रही हैं, आई थिंक ये रेलवे ही अब बनवा रहा है यहाँ पे जो है, जब ट्रेन चलेगी तो यहाँ पे कुछ रहने के लिए। और इस साइड जो मेन रोड है वो यहाँ से नहीं दिख रहा है, लेकिन इधर बाहर से जो मेन रोड है, और इस साइड ये रहा टनल नंबर 12 का कुछ व्यू। और ये है टनल नंबर 11 जो है यहाँ पे एंड होता है इस साइड। और यहाँ पे कुछ बोर्ड भी आप देख सकते हैं, हार्ड हैट्स, आई प्रोटेक्शन, ईयर प्रोटेक्शन, फुट प्रोटेक्शन, हाई विजिबिलिटी वेस्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ प्रिकॉशंस भी लिखी है यहाँ। असेंबली पॉइंट भी बना हुआ है, लोकेशन का तो मेंशन नहीं किया है। और इसको PSJV कोंकण जो है वो कंस्ट्रक्ट करवा रही है, कोंकण रेलवे जो है उसने अलग अलग कंपनीज को काम दिए हुए हैं। और ये है टनल नंबर 11 और 12, यहाँ से 12 स्टार्ट और यहाँ से 11 एंड। आप देख सकते हैं गाइज ये जो सामने इस साइड है ये टनल नंबर 12 और 11 है, जो 12 यहाँ से 12 टनल नंबर आपको पीछे दिख रहा होगा सामने, ये यहाँ से बाहर भी कुछ लोकेशन है। और आस पास की आप देख सकते हैं लोकेशन पूरी, और आस पास बिल्कुल पहाड़ी इलाका है यहाँ, ये भी जो पहाड़ी है, जंगल है पूरी चारों तरफ से। और वो पीछे आपको सामने दिख रहा होगा टनल नंबर 12 और 11 का जो 12 का जो स्टार्टिंग पॉइंट, और 11 का जो है
ही कहीं आपको दुकान दिखेगी, कोई शॉप दिखेगी, मैक्सिमम जो है कोई यहाँ पे रोड पे कुछ नहीं दिखेगा, आप वहीं दिखेगा जहाँ बनाने का काम बहुत अच्छी होगी, जो अपने वाटर स्वाटर्स होंगे पूरा जो है पूरा खाली पड़ा हुआ पूरा जो है टनल नंबर 12 के बाहर का आप देख सकते हैं रोड और जो है बाहर का कुछ आस पास जो है यहाँ पर ब्रिज भी पीछे है तो काफ़ी खड्डे बने हुए हैं इस खड़े के बीच में अभी तो आई होप गाइस आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अरे आपको व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा और अगर आपने व्लॉग को यहाँ तक देख लिया तो व्लॉग को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं आपको डेली सुबह 8 बजे और मिलते हैं आपको डेली सुबह 8 बजे एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हमारे इनकलाब जी जो हैं वो यहाँ ढोल की धुन पे जो वो डांस करे जा रहे हैं, ढोल वो ऊपर बज रहे हैं और ये यहाँ पे डांस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही सुरीला डांस कर रहे हैं ये ढोल, वो काफ़ी दूर बज रहे हैं और ये यहाँ पे डांस कर रहे हैं।